कृषक समृद्धि अभियान के तहत मनाया गया अमृत महोत्सव घुघरी विकासखंड में आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर मनाया गया। कृषक समृद्धि अभियान के तहत अमृत महोत्सव मनाते हुए देश के अन्नदाता किसानों के सम्मान में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सभी शाखाओं में दिनांक 3 सितंबर से 20 सितंबर 2021 तक किसान समृद्धि अभियान चलाया जा रहा। किसानों को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से इस अभियान में जिले के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 6 शाखाओं का कार्यक्रम घुघरी में आयोजित किया गया। सभी शाखाओं द्वारा अलग अलग तिथि में शाखा स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिससे बैंक से जुड़े कृषक ग्राहकों और नए ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के विभिन्न शाखाओं द्वारा इस कृषक उन्मुख अभियान के दौरान कृषकों के आर्थिक सहयोग हेतु किसान क्रेडिट कार्ड, पशुपालन ऋण, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और स्प्रिंकलर के लिए ऋण, थ्रेसर ऋण, वेयर हाउस ऋण, कोल्ड स्टोर ऋण, फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए ऋण, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत ऋण, PMFME के तहत ऋण, कृषक उत्पादक संगठन ऋण और अन्य कृषि उपकरण हेतु ऋण के कृषक समृद्धि अभियान के तहत अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 6 शाखाओं घुघरी, मोगांव, चाबी, बिछिया, सिझोरा, मोती नाला 6 शाखाओं का कृषक समृद्धि अभियान जबलपुर क्षेत्र कार्यक्रम आज घुघरी में सम्पन्न हुआ, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े समस्त ग्राहक दूर दूर से आकर कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। 6 शाखाओं के ग्राहकों को 7,90,00,000 का ऋण स्वीकृत किया गया। साथ ही स्व सहायता समूह ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। सर्वप्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक नारायण सिंह पट्टा और क्षेत्रीय विधायक अग्रणी जिला प्रबंधक DDM नाबार्ड शाखा प्रबंधक सभी के द्वारा पूजन माल्यार्पण के साथ शुभारंभ की गई। आज सर कृषक समृद्धि अभियान के तहत आज घुघरी में कार्यक्रम रखा गया, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? ये इस संबंध में जो कृषक समृद्धि अभियान सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आंचलिक कार्यालय भोपाल जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 580 शाखाएँ जो देखते हैं जो चलाई जा रहे थे 580 शाखाएँ, इस माध्यम से हर जिले में ये कार्यक्रम हर ब्लॉक में इसी काम जो समृद्धि अभियान कैंप्स और बैंक के अधिकारियों द्वारा और जो पब्लिक अथॉरिटी जो सिविलियंस अथॉरिटीज हैं वो सबको इन्वॉल्व करके ये अभियान का जो उद्देश्य हम सबको जागरूकता देते हैं और जितना भी जितना हो सके जो लोन के वितरण ज़्यादा जल्दी से और कमी समय में देने के हम सर कितना प्रतिशत दर में जो है लोन दिया जाएगा? ये अलग अलग से है, ये जो इवन 6.85% से लेकर आप 9% तक बीच में जो जो कृषक का तो होता है वो 4% तक सब्सिडी वो जमा कर देंगे तो CKCC का जो। इसमें कौन कौन कैटेगरी के लोगों को लोन दिया जा सकता है? ये सभी कैटेगरी को, अभी जो ये कृषक समृद्धि अभियान जो चलाए जा रहे हैं हमने जो बड़े जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तत्वाधान में सेंट्रल बैंक शाखा घुघरी और जिला सेंट्रल बैंक लीड के अंतर्गत आने वाले बैंकों के अंतर्गत घुघरी में कृषक समृद्धि अभियान का कार्यक्रम आयोजन हुआ, जिसमें बिछिया, मोतीनाला, मोहगांव, घुघरी आदि अन्य सेंट्रल बैंक शाखाओं के किसान व्यापारी शामिल हुए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपक्रम हम सबके लिए है। और निश्चित रूप से मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे किसान बंधु हैं और जो भी हमारे SHG के बहनें हैं, जो जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, ट्रैक्टर का लोन है आदि जो गवर्नमेंट की सब्सिडी युक्त योजनाएं हैं, उनका लाभ इस कार्यक्रम के माध्यम से मिला। मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और आज ये छोटा सा जगह जो घुघरी जहाँ पर सेंट्रल बैंक शाखा घुघरी संचालित की जाती है वहाँ पर समृद्धि अभियान के तहत घुघरी में कार्यक्रम रखा गया, इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं?
हमारा जो है सेंट्रल बैंक भोपाल का जो आंचलिक कार्यालय है, इसके तहत हम जो है ये कार्यक्रम हर 3 तारीख से लेकर 20 तारीख तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आयोजित कर रहे हैं। आज ये हमने जो कैंप किया है, ये हमारी 7 शाखाओं का क्लस्टर हेड जगह बना के हमने किया है। इसमें हमने 314 हितग्राहियों को 7,90,00,000 के लोन दिया है, जिसमें स्वयं सहायता समूह है, CKCC है, और इसमें MSME का लोन है और रिटेल्स के लोन है, वाहन ऋण और हाउसिंग लोन इसमें है। और ये जो हमारा है जो ये केवल ये एक अभी अभियान के तौर पे चलाया जा रहा है, आगे भी हम इसी तरह का जो है काम करते रहेंगे और जो लगातार जो है ये हमारे जो एडवांस के पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए और किसानों की जो है जीवन स्तर को ऊँच उठाने के लिए हमने ये जो है अभियान चलाया हुआ है। सलवा क्षेत्र के लोगों से आपसे अपेक्षा थी कि एक सहायक सेंट्रल बैंक वहाँ खुल जाता? वो हम प्रयास करेंगे और इसको जो है हमारे जो बैंक है और जो भी रिजर्व बैंक के हिसाब से है, अभी हम फिलहाल ये कर रहे हैं कि वहाँ पे जो है BC जो इस टाइप के जो एरिया है जहाँ पे ज़्यादा अगर दूरी है तो वहाँ पे हम BC को अपॉइंट करने के लिए हम इसका प्रस्ताव जो बनाकर वहाँ पे भेजेंगे। शाखा खुलने में हो सकता है कि देरी हो और या उसमें कुछ प्रशासनिक स्वीकृति में देरी हो सकती है, हम उसके लिए वहाँ BC को अधिक से अधिक BC को अकाउंट करके वहाँ के जो ग्रामीण किसान भाइयों की समस्या को दूर करेंगे। सर, सेंट्रल बैंक घुघरी में लोन के लिए बहुत लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम खुद चल के आए हुए हैं या हम बढ़ के हमारा कैंप लगा के हम दे रहे हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है और इसी तरह की कोई हमारे पास शिकायत नहीं है। हमारा घुघरी बहुत अच्छा काम कर रहा है और हमने जो है खुद ने जो चला के ये अभियान चलाया हुआ है इसमें किसान, और अगर किसी को अगर बैंक में आने में दिक्कत हो, हमारा जो है मिस कॉल फैसिलिटी भी दिया हुआ, उसमें भी अगर आदमी किसान भाई मिस कॉल करता है तो हमारा बैंक का जो है प्रतिनिधि उनको कॉल करके उससे हेल्प उसकी पूरी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उससे संपर्क करता है। धन्यवाद श्रीमान। खबर भारतवर्ष के लिए मंडला से भुवनेश्वर केवट की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनता।